हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 6 का पार्ट नंबर 4 ले रहे हैं। ओके, हम लोगों ने लास्ट पार्ट्स में क्लियर किया था कि किस तरह से सारे टिश्यू सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। ओके, मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट, कॉम्प्लेक्स, देन जाइलम, फ्लोएम, ये सब के हम लोगों ने कंपोनेंट्स एंड वेरियस टाइप्स पढ़े थे। अब हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे किसके, डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स के। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में ये फर्क होता है कि एनाटॉमी होता है दैट इज द, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग बोला जाता है दैट इज द एनाटॉमी, एंड मॉर्फोलॉजी इट मीन्स दैट आउटर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज दी मॉर्फोलॉजी। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी किसका, दैट इज दी मोनोकॉट प्लांट और डायकॉट प्लांट। मोनोकॉट और डायकॉट प्लांट में हम लोग ये दोनों टाइप्स के प्लांट में हम लोग लीफ, स्टेम और रूट के सेक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, क्या इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं रूट पोर्शन। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द डाइकॉट रूट। ओके, हमारा फर्स्ट आज का टॉपिक है दैट इज डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट भी सपोज्ड मैं यहां पे ले रही हूं, तो ये रूट को मैंने क्या करा, ऐसे ट्रांसवर्सली कट किया। ट्रांसवर्सली मीन्स ऐसे लेके मैंने ब्लेड से उसको इस तरह से कट करके मैंने वहां पे एक पैट्री डिश में वो सारे छोटे छोटे कट्स इस तरह से रखे। ठीक है, अब ये जो कट्स होते हैं वो रखने के बाद क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सेफ्रेनिन या कोई भी स्टेनिंग एजेंट रखेंगे। स्टेनिंग एजेंट हम लोग रखने के बाद ये सारे सेल सेक्शंस के जो ऑर्गेनल्स होंगे, न्यूक्लियस है, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे हम लोगों को बहुत ही अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे उसके ऑर्गेनल्स जो स्टेनिंग ले लिया है। स्टेनिंग एजेंट का मीनिंग होता है कि जो कलर ले लेता है। ठीक है, जो माइक्रोब्स फ्री होके हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग ये सारे ऑर्गेनल्स को देख सकते हैं। ओके, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। तो अब मैंने यहाँ पे एक सेल निकाला डाइकॉट रूट का, तो मैं वो पूरा उसको देखती हूँ कि किस तरह से ये सारा डाइकॉट रूट हमें दिखता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखो रूट पढ़ रहे हैं, तो रूट का आउटर स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट इज द, उसमें रूट हेयर्स होने ही वाले हैं। तो मैंने एक सनफ्लावर रूट लिया है। सनफ्लावर क्या है, एक डाइकॉट है। ठीक है, तो उसका मैंने सनफ्लावर रूट लिया है, तो मैंने आउटर मोस्ट लेयर, जो रूट का आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिब्लेमा। देखो एपिडर्मिस, एपी, ये सारे जो एपी वर्ड आता है इट मीन्स दैट की आउटर लेयर की बात कुछ कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर इज दी, दैट इज दी एपिब्लेमा। ठीक है, अब ये जो एपिब्लेमा होता है वो क्या करेंगे, ये इतने मतलब मल्टी सेलुलर वे में पाए जाते हैं कि वो बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, प्रोट्यूड आउट, एंड दे फॉर्म दी रूट हेयर्स। दे फॉर्म दी रूट हेयर्स। ओके, इट मीन्स दैट द आउटर मोस्ट लेयर इज जस्ट, दिस इज द एपिब्लेमा। ओके, एंड द एपिब्लेमा इज प्रोट्यूडेड आउट, इट मीन्स दैट यहां से इस तरह से ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ओके, और ये क्या बना रहे हैं, दैट इज द रूट हेयर्स। क्लियर, एंड दिस इज द लेयर ऑफ एपिब्लेमा। ओके, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज एपिब्लेमा। नाउ आफ्टर द एपिब्लेमा, यानी ये एपिब्लेमा के बाद जो हम लोगों ने बोला ये यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बनाने के बाद, यहाँ पे एक सेक्शन ऐसा आता है दैट इज, ये सेक्शन हम लोगों ने बोला हुआ है दैट इज कॉर्टेक्स का। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बहुत लेयर्स होते हैं, उसके थीन वॉल्ड होते हैं, थीन वॉल्ड टाइप के सेल्स होते हैं, और ये सेक्शन को हम लोगों ने बोला हुआ है दैट इज द कॉर्टेक्स। ओके, इसको हम लोगों ने बोला है कॉर्टेक्स, और ये किससे बना हुआ है, दैट इज पैरेन्काइमेटस। ओके, पैरेन्काइमेटस लेयर से बना हुआ, पैरेन्काइमा सेल्स।
और यहाँ पे क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है। हम लोगों ने आगे भी पढ़ा हुआ है कि इंटरनल सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है किसमें, पैरेन्काइमा सेल्स में। ओके अब आता है, अब ये हो गया, पहला आ गया एपिथेलियम, सेकेंड आ गया दैट इज दी कॉर्टेक्स लेयर। ठीक है, अब इनर मोस्ट लेयर यानी अंदर जो इसके बाद जो लेयर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एंडोडर्मिस, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एंडोडर्मिस। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब ये एंडोडर्मिस को हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब में पढ़ते हैं। अब हम लोगों ने फर्स्ट लेयर क्या पढ़ा था, हम लोग बना देते हैं, ये था एपिब्लेमा, है ना। एपिब्लेमा के ऊपर कौन है, रूट हेयर्स है, यूनिसेलुलर सेल्स जो बोला है, ये है दैट इज दी कॉर्टेक्स के लेयर जो सर्वर लेयर्स बना रहे हैं विथ इंटरसेलुलर स्पेस, आइसोडायमेट्रिक एंड ओवल शेप के हैं, और इनको हम लोगों ने, ये किससे बने हुए हैं, पैरेन्काइमा सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अब ये सेक्शन कौन सा आता है हमारा, एंडोडर्मिस का। वहां पे क्या है, एक सिंगल लेयर है और बैरल शेप के सेल्स है। बैरल शेप के सेल्स इट मींस दैट यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरह से। ओके, बैरल शेप यानी इस तरह से कोई भी शेप के प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये हम लोगों ने बोला है एंडोडर्मिस। ओके, यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोगों को पहले एपिब्लेमा बताना है। ठीक है, फिर हमें बताना है कॉर्टेक्स के बारे में, देन हमें बताना है एंडोडर्मिस के बारे में। तो एंडोडर्मिस में हम लोग क्या बोलेंगे कि बैरल शेप के सेल्स है और क्या है, विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, एंड नाउ ये जो सारे सेल्स है वो टेंजेंट की तरह उसकी रेडियल वॉल यानी कि ये एंडोडर्मल सेल्स, ये एंडोडर्मिस है तो इसके बाहर का जो लेयर हम लोगों ने बोला है ये इस तरह से प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलते हैं दैट इज एंडोडर्मल सेल्स। ठीक है, एंडोडर्मल सेल्स, और दिस एंडोडर्मल सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ वॉटर इम्परमिएबल दैट इज द वैक्सी मटेरियल दैट इज सुबैरिन। सुबैरिन क्या है आपको पूछा जाता है, सुबैरिन एक ऐसा वैक्सी सब्सटेंस है जो यहाँ पे क्या है, डिपोजिशन है, और ये डिपोजिशन होने के बाद ये क्या बना रहा है, एक कैस्पेरियन स्ट्रिप बना रहा है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, याद रखिएगा एंडोडर्मिस रीजन क्या में एक एंडोडर्मल सेल है जिसमें एक वैक्सी सब्सटेंस दैट इज द सुबैरिन का डिपोजिशन है और वो एक बना रहा है दैट इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि ये जो एंडोडर्मिस का लेयर है, एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पे बहुत सारे थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है। ओके, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे ऐसे। ओके, और ये जो थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है यहाँ पे, इसको हम लोगों ने बोला हुआ है दैट इज दी पेरिसाइकिल। तो आपको एंडोडर्मिस के बाद बताना है पेरिसाइकिल, ये सबको डिस्क्राइब विद डायग्राम करना है। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो पेरिसाइकिल होता है यहां से लैटरल रूट्स निकलते हैं। लैटरल रूट्स का मीनिंग होता है, देखो सपोज ये हमारा रूट है तो ये होता है इस तरह से, ये रूट निकल रहे बाहर के सरफेस में, पर अंदर के सरफेस से जो रूट्स निकलते हैं वो उसको बोलते हैं लैटरल रूट्स। तो वो कहां से निकलते हैं, पेरिसाइकिल से। जैसे ही लैटरल रूट्स वो कैम्बियम थ्रू से ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू करता है, कैम्बियम से निकलता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है वहां से ये जो निकल रहा है कौन सा, सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे वो सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जो पिथ होता है, पिथ का मीनिंग होता है बेटा यहाँ पे इसके बीच में, यहाँ पे ये प्रेजेंट है वो थोड़ा सा ही है, पिथ इज इनकॉन्स्पिशियस। हम लोग रूट को तोड़ते तो कुछ लिक्विड जैसा भी निकलता है यदि यंग रूट है तो। ठीक है, तो वो है पिथ। ठीक है, जो बहुत ही इनकॉन्स्पिशियस है, इट मीन्स दैट बहुत ही थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, नाउ जाइलम एंड फ्लोएम,
जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पे हम लोगों को जाइलम और फ्लोएम देखने को मिल रहा है। ये इस तरह से पोर्शन है जाइलम एंड फ्लोएम के, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में हम लोगों को बहुत सारे टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं। ओके, और ये जो बीच वाले जो टिश्यूज है, जाइलम और फ्लोएम के बीच के टिश्यूज है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। तो हमारा नेक्स्ट पेरिसाइकिल के बाद हमें बताना है पित्त के बारे में, फिर हमें बताना है कंजक्टिव टिश्यू के बारे में। ये सारे वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जनरली हमें जाइलम एंड फ्लोएम दैट इज अ वस्कुलर बंडल हमें 2 to 4 देखने को मिलते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, कैम्बियम होगा। तो कैम्बियम, जैसे कि हम लोगों को पता है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ऐसे जाइलम फ्लोएम है, फिर जाइलम फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम है, ये जाइलम फ्लोएम, और जाइलम फ्लोएम को कौन अलग करता है, कैम्बियम। तो ये मुझे क्या मिली, कैम्बियम रिंग मिली, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है, कैम्बियम रिंग देखने को मुझे मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं जो भी टिश्यू होते हैं एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर कौन है, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल, पित्त, वो सब कुछ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द स्टिल। ये हमारा यहां से क्या शुरू होता है, एंडोडर्मिस। तो ये एंडोडर्मिस के अंदर कौन है, ये पूरा स्टिल है। तो स्टिल कंपोज्ड ऑफ, देखो स्टिल कंपोज्ड ऑफ वॉट, देखो जाइलम एंड फ्लोएम, कंजक्टिव टिश्यू एंड पेरिसाइकिल। ओके, कंजक्टिव टिश्यू, पेरिसाइकिल, पित्त, ठीक है, एंड वस्कुलर बंडल। तो आपको याद रखना है कि पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल एंड पित्त कंस्टिट्यूट द स्टील। तो फिर आपको लास्ट में बताना है स्टील के बारे में, ठीक है। तो आपको ये सारे वर्ड्स से कंपोजिशन होके विथ डायग्राम आपको ये डाइकॉट रूट समझाना है, क्लियर। अब आता है डाइकॉट रूट के बाद सिमिलरली मोनोकॉट रूट, पर थोड़ा सा डिफरेंस भी हमें देखने को मिलता है। मोनोकॉट रूट, ठीक है। अब मोनोकॉट में एनाटॉमी में हम लोगों ने देखा कि वो सेम एज डाइकॉट रूट होता है, ओके। वो उसमें भी एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल, पित्त, हमें सब कुछ जैसा डाइकॉट में है वो है। बट डिफरेंस यही है कि वहां पे जो हम लोगों ने बोला वस्कुलर बंडल, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ यही है कि वहां पे 2 to 4 वस्कुलर बंडल्स होते हैं। यहाँ पे हमें क्या जनरली उनसे 5 to 6 हमें देखने को मिलते हैं, 5 to 6 वस्कुलर बंडल, वहां 2 to 3 देखने को मिलते हैं, ठीक है, समझ में आया, मोनोकॉट रूट में हमें। ओके, वहां पे पित्त क्या था, स्मॉल था, और यहाँ पे पित्त क्या है, लार्ज है, बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप्ड है। ओके, ये डिफरेंस याद रखना, बाकी सब सेम है। ओके, दूसरा, वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हो गया था, पेरिसाइकिल से सेकेंडरी रूट देखने को मिल रहा था, यहां पे देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ, नो सेकेंडरी ग्रोथ, क्लियर। ये 3 डिफरेंस आपको याद रखना है मोनोकॉट रूट में, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, रूट सेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हमारा दूसरा सेक्शन आता है, दैट इज दी डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, क्लियर। अब यहां पे हम लोग एक स्टेम लेते हैं, ठीक है, सिमिलरली वही ट्रांसवर्स सेक्शन को काटा, इस तरह से हम लोगों ने उसको बाहर निकाला, तो हम लोगों को ये सब लेयर्स देखने को मिलेगी अंदर की, ये सारी लेयर्स। तो हम लोग ये देखना है कि किस तरह से हमें ये डाइकॉट स्टेम में दिखता है। हमने एक यंग डाइकॉट स्टेम लिया है, ठीक है, तो फर्स्ट लेयर हमें कौन सा दिखेगा, दैट इज दी एपिडर्मिस का, ठीक है, फर्स्ट लेयर हमें किसका दिख रहा है, दैट इज एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, दैट इज दी प्रोटेक्टिव लेयर। तो वो हमें किसका दिख रहा है, एपिडर्मिस का। ओके, ये जो एपिडर्मिस होता है, जैसे कि रूट का बाहर का एपिब्लेमा जो हमने पढ़ा रूट हेड से होता है, तो लीफ और स्टेम का आउटर लेयर क्या होता है, क्यूटिकल से बना होता है। तो एपिडर्मिस किससे बना हुआ है, क्यूटिकल, जो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वैक्सी होता है। क्यूटिकल में हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्राइकोम्स, याद आया, वहां पे रूट हेड्स था, यहाँ पे हमें
ट्राइकॉन्स देखने को मिलेगा, और कुछ स्टोमेटा भी, ग्रीन कलर का है तो स्टोमेटा भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो एपिडर्मिस की सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं, ओके। और उसके बाद हमें एक कॉर्टेक्स लेयर, ठीक है, वहां पे एपिडर्मिस, इट मींस दैट द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, दे आर कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। सिमिलरली हियर्स इट इज द एपिडर्मिस, दिस इज द ट्राइकोम्स, क्लियर, दिस इज द ट्राइकोम्स एंड नाउ इट इज कॉर्टेक्स लेयर। ठीक है, ये हो गया कॉर्टेक्स का लेयर, ओके। अब यहां पे हम लोगों ने देखा ये जो कॉर्टेक्स के लेयर हम ये पढ़ा, तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन हमें तुम्हें बताना है कॉर्टेक्स का। अब कॉर्टेक्स के बाद क्या आता है, दैट इज दी पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स के बाद आता है दैट इज दी पेरिसाइकिल, तो आपको बताना है पेरिसाइकिल। पर पेरिसाइकिल होने से पहले आप लोगों को कुछ यहाँ पे थ्री सब जोन्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है, पेरिसाइकिल का थ्री सब जोन्स हमें देखने को मिलते हैं। थ्री सब जोन्स में हम लोगों को फर्स्ट जोन हमें देखने को मिलता है दैट इज हाइपोडर्मिस, तो आपको हाइपोडर्मिस के बारे में बताना है, ठीक है। फिर आता है दैट इज कॉर्टिकल लेयर्स, कॉर्टिकल लेयर्स, ठीक है, और दूसरा आता है दैट इज दी एंडोडर्मिस। ये सारे हम लोगों को लेयर्स देखने को मिलते हैं, एपिडर्मिस है, फिर आता है जो कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा से हम लोगों को ये कॉर्टिकल लेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ ये जो हाइपोडर्मिस है वो किससे बने हुए हैं, कोलेनकाइमा सेल से बने हुए हैं, याद रखिएगा, ये सिर्फ एपिडर्मिस के तुरंत बाद हमें देखने को मिलता है। एपिडर्मिस के बाद हमें हाइपोडर्मिस देखने को मिलता है और वो किससे बने हुए हैं, कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा से हमें ये लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। यही कोलेनकाइमा यानी हाइपोडर्मिस, ये था हाइपोडर्मिस, उसके बाद हमें ये क्या करता है, कोलेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, वो हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यूज में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आता है कॉर्टिकल लेयर्स, अब इस तरह से हम लोगों को ये कॉर्टिकल लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये आता है कॉर्टिकल लेयर्स, ओके। अब ये जो कॉर्टिकल लेयर्स है उसके बाद में हमें हाइपोडर्मिस, यानी हाइपोडर्मिस के बाद क्या है, कॉर्टिकल लेयर्स है, जहां पे राउंड थिन वॉल्ड के कौन से सेल्स देखने को मिल रहे हैं, पैरेन्काइमा, वो था कोलेनकाइमा, ये है पैरेन्काइमा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये हम लोग अलग अलग सेक्शंस पढ़ रहे हैं, फर्स्ट आता है हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स, नाउ एंडोडर्मिस आएगा, ठीक है। तो ये हमें पैरेन्काइमेटिस सेल से बने हुए हैं, जिसके अंदर थोड़े से ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है, ओके। नाउ ये कॉर्टिकल लेयर्स के बाद इनर मोस्ट ऑफ द कॉर्टेक्स इट इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस, अब पोर्शन आता है हमारा एंडोडर्मिस का, ठीक है। द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस, यहाँ पे ये जो सेल हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो एंडोडर्मिस सेल्स, वहां पे था सुबैरिन, ठीक है, हम लोगों ने सुबैरिन पढ़ा था वैक्सी लेयर, तो यहाँ पे भी कोई और भी उसको कर रहा है, तो ये होता है, ये स्टार्च ग्रेन्स से, स्टार्च ग्रेन्स बहुत ही चमकते हैं माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो, ठीक है, तो ये स्टार्च ग्रेन से बने हुए हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्टार्च शीट, स्टार्च शीट्स उसको हम लोग बोलते हैं, तो एंडोडर्मिस इससे बना हुआ है, क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, दैट इज द पेरिसाइकिल, ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर कौन प्रेजेंट है, दैट इज पेरिसाइकिल, क्लियर, समझ में आ रहा है। फर्स्ट था एपिडर्मिस जिसमें ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, फिर था हाइपोडर्मिस जो कोलेनकाइमा से बना है, फिर है कॉर्टिकल लेयर्स जो पैरेन्काइमा सेल से बना है, फिर आता है एंडोडर्मिस जिसमें स्टार्च शीट प्रेजेंट है, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट, जिसमें स्टार्च शीट्स हम लोग बोलते हैं, और उसके अंदर हमें पेरिसाइकिल देखने को मिलता है, ओके। तो इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस इज द पेरिसाइकिल, ओके, एंड अबाउ द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनार, फ्लोएम हम लोगों को ऐसा सेमी लूनार पैचेस में, ये फ्लोएम्स है, तो ये हमें सेमी लूनार पैचेस में देखने को
मिलता है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो पैचेस होते हैं वो किससे बने हुए हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स से। तो ये तीनों टाइप के सेल्स का लोकेशन आपको याद रखना है। यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल होता है वो रेडियली अरेंज्ड होता है और पैरेन्काइमा से बनता है, और वो क्या बनता है, मेडुलरी रेज। सपोज इस तरह से हम लोगों ने बनाया, ये वस्कुलर बंडल है, तो यहाँ पे ये इस तरह से रेडियल है, तो ये जाइलम होगा, ये जाइलम है, तो यहाँ पे क्या है, फ्लोएम, ठीक है, यहाँ पे है फ्लोएम, ओके। इसके बीच में हम लोगों को बहुत सारे ऐसे मेडुलरी रेज देखने को मिलते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमें आपको बताना है कि ये मेडुलरी रेज क्या है, ठीक है। मेडुलरी रेज हमें देखने को मिलता है इस डायकॉट स्टेम में, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम लोगों ने वस्कुलर बंडल के टाइप्स पढ़े, तो वस्कुलर बंडल यहाँ पे कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट ओपन, ओपन यानी कैम्बियम होगा बेटा, है ना, तो ओपन टाइप का होगा, और एंडार्ज प्रोटोप्लाज्म, एंडार्ज और एक्सार्ज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, पिथ, तो आपको बताना है पिथ, पिथ यानी हम लोग गीली लकड़ी ऐसा करके तोड़ते हैं, स्टेम तोड़ते हैं, तो लिक्विड जैसा वो टूटता नहीं है, इलास्टिसिटी होता है, तो लिक्विड होता है, तो वो क्या है, पिथ है बीच में, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा सा सेंट्रल पोर्शन स्टेम का कंस्टिट्यूट करता है पिथ, जो जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्लियर। तो ये डायग्राम के साथ ये आपको सारे सेक्शंस बताना है। ये था हमारा डायकॉट स्टेम, ओके। अब आता है डायकॉट स्टेम की अपोजिट में मोनोकॉट स्टेम, ओके। नाउ मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, देखो वहां पे जो हाइपोडर्मिस था वो किससे बना था, कॉलेनकाइमा से। तो यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि ये जो हाइपोडर्मिस है वो किससे बना हुआ है, दैट इज स्क्लेरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा वस्कुलर बंडल था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वस्कुलर बंडल है वो क्या है, सबसे ज्यादा है, तो लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट, ओके। और वो जो वस्कुलर बंडल है तो वो किससे कवर है, ये वस्कुलर बंडल है वो कवर किससे है, स्क्लेरेन्काइमा सेल से। तो वो वस्कुलर बंडल किससे कवर है, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, क्लियर। नाउ वस्कुलर बंडल वहां पे था कॉन्जॉइंट ओपन, तो यहां पे क्या है, दैट इज दी कॉन्जॉइंट क्लोज, तो कैम्बियम नहीं होगा, क्लियर, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, समझ में आ रहा है। ये सारे टाइप्स मैंने पहले से बताया था। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लोएम जो है वो किससे बना है, स्क्लेरेन्काइमा से, तो फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा जो हम लोगों ने कंपोनेंट पढ़ा था ना, यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। तो वाटर कंटेनिंग कैपेसिटीज, कैविटीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, इसी वस्कुलर बंडल के अंदर, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें एब्सेंट है। तो आपको ये मोनोकॉट स्टेम भी क्लियर हो गया, ओके बेटा, लाइक बटन को क्लिक करो। चलो अब आता है क्वेश्चंस, मैं इसके रिलेटेड दे देती हूँ आप लोगों को, ओके। यहाँ पे हम लोगों को पहले लिख देना है डिफरेंस, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट, कॉट एंड डाइकॉट रूट एंड स्टेम। क्वेश्चन टू, व्हाट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप एंड स्टार्च शीट, ड्रॉ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट एंड स्टेम with label, okay. Question fourth, explain dicot and monocot root and
एंड स्टेम. क्लियर? तो आज मैं ये पार्ट फोर कंप्लीट कर रही हूँ बेटा. तो आप लोग ये मुझे लिख के बताइएगा, फिर मैं टेस्ट लूंगी. तो लिंक को शेयर करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.